गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी विद्यार्थी, आप लोग जो सीखना है वो हम जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो सब लोग सीख ली जान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड थॉट, जिससे हम अपने भावों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो अगर हमको डेफिनेशन लिखना होता है तो हम यही लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज बाय विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड थॉट। तो इसमें सबसे अधिक जो इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पॉर्टेंस होती है, वो किसकी होती है, साउंड की होती है। किसकी? साउंड की। तो जो लैंग्वेज का इनिशियल साउंड होता है उसे जब हम सिंबॉलिक रूप देते हैं, मतलब संकेत के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, लेटर्स कहलाता है। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं लेटर्स को, लेटर्स मतलब अक्षर होता है, हम यही कहते हैं ए ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ साउंड विच एक्सप्रेस, ठीक है, अ साउंड, अथवा कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वॉइस विच प्रोड्यूस अ साउंड इज कॉल्ड लेटर्स। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वॉइस विच प्रोड्यूस अ साउंड इज कॉल्ड लेटर्स। तो इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हमारे होते हैं ए टू जेड। इनको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हमारा वॉवेल होता है, सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। यही होता है, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। वॉवेल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वॉइस विच कैन प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी फ्रिक्शन इज कॉल्ड वॉवेल। कॉन्सोनेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वॉइस विच कैन प्रोड्यूस अ साउंड विथ अ फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एक में फ्रिक्शन होता है, एक में बिना फ्रिक्शन के होता है। जैसे ए हम बोलते हैं, देखिए ना हमारा लिप्स पार्टिसिपेट कर रहा है, ना टीथ ना टंग, लेकिन अगर हम बी को बोलते हैं तो हमारा लिप्स पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें अवरोध युक्त बात होगी वो कॉन्सोनेंट होगा, जो बिना अवरोध के होगी वो हमारा क्या होगा, वॉवेल। अगर हम तो डिवाइड किए वॉवेल और कॉन्सोनेंट को, वो टू रूपों में डिवाइड हो गया आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट हो गया। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, और इन वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला करके हम क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। वर्ड को अगर हमको डिफाइन करना होता है तो हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ सेंस एंड इट्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जो क्या दे, एक भाव दे, और उस भाव का अर्थ निकले, वो आपका क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। क्लियर हो गया। वर्ड की संख्या अनंत है, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। जैसे कह दिया गया हमारा लेटर्स तो सीमित हो गया, लेकिन उस लेटर से हम वर्ड क्या बना लेते हैं, असीमित बना लेते हैं। लेकिन वर्ड को हम क्लासिफाई करते हैं तो हमको 3 रूप में वर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सिंपल वर्ड, सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स वर्ड, थर्ड क्या होता है, कंपाउंड वर्ड। सिंपल वर्ड क्या होता है, वो वर्ड जो बिना किसी सफिक्स या प्रीफिक्स के बनाया जाता है, मतलब जो वर्जिनेट होता है, जिसे हम रूट वर्ड कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सिंपल वर्ड कहलाता है। जैसे ब्यूटी आपको बताएगा, ठीक है, ये सिंपल वर्ड है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब होता है जब हम मूल वर्ड को सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके अन्य शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा कौन सा वर्ड कहलाता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड कहलाता है। जैसे ब्यूटी को हमने ब्यूटीफुल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे सक्सेस को हमने अनसक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। सक्सेस हमारा मूल वर्ड है, लेकिन अनसक्सेस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वर्ड हो गया। तीसरा क्या है, कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, वो वर्ड जो बिना, मतलब जब दो वर्ड या दो से अधिक को एक साथ मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं तो कंपाउंड वर्ड कहलाता है। जैसे क्लासरूम क्या हो गया, जैसे क्लासरूम, फादर इन ला, मदर इन ला, आगे समझ नहीं, ये सब क्या हो गया आपका, कंपाउंड वर्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें दो से अधिक शब्द एक साथ मिल करके वर्ड संरचना करते हैं। अभी तक समझ में आ गया। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं। हम कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ सेंस एंड इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे कहा गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। जैसे कहा गया स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, ये क्या हो गया आपका, सेंटेंस हो गया। तो ये सेंटेंस होता है। अगर हम जाते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस,
तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जो आप पाते हैं उसमें हम पांच प्रकार के सेंटेंस पाते हैं, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। कभी कभी क्या होता है ना, जो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं तब उस समय हम पाते हैं चार प्रकार के सेंटेंस हमको मिलते हैं। लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है कितने प्रकार के पढ़ना है, पांच प्रकार के सेंटेंस पढ़ना है। क्लियर। अगली चीज, जो आपका सिलेबस स्टार्ट होता है क्लास नाइन्थ का, उसको ध्यान दीजिए। ये होता है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से। पहला लेसन आपका क्या आता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं और सेंटेंस का ये जो डिवाइडेशन होता है टू टॉपिक में होता है, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। ठीक, तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा क्या होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो सेंटेंस का क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे कहा गया द सन राइजेज इन द ईस्ट में, द सन क्या हो गया सब्जेक्ट और राइजेज इन द ईस्ट क्या हो गया प्रेडिकेट। ठीक, ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है और इसके बारे में अब आपको कॉपी में लिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।